सभी दर्शकों को नमन और अभिवादन करते हैं। दर्शकों, संत कबीर जी का आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए इस वर्तमान परिस्थिति में एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम जो है संत कबीर जी का ज्ञान, और इसे प्रस्तुत करने के लिए लाकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल मंदिर के आचार्य महंत संत सर्वेश्वरदास जी शास्त्री महाराज और उनके भजन मंडली की ओर से है। दर्शकों, आपको बता देते हैं, संत कबीर उनका इस धरा पर आगमन के 624 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। दर्शकों, सद्गुरु कबीर जी की दिव्य वाणी में कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से संबंधी साखियाँ और भजन मिलते हैं। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके गूढ़ ज्ञान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। अत्र स्थाणु सुपत्तने ही पुरुता क्षोणी तले संस्थितो लोकातीत महोदयो गुणनिधि शास्त्री स्वशिष्यान पुरा आर्या नार्य विदाम पास जनितो एकात्म तत्त्वं परम नानाडंबर वारणैक मिहिर श्रीमत् कबीरो गुरुः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवामात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुवे नमः। सत्यनाम सोहम हंसः सद्गुरु शरणम्। अनाहद शब्द योग। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियाँ समाज में अधिकतर इसलिए प्रसिद्ध हैं कि सद्गुरु कबीर साहब ने समाज सुधार की बात कही कि हम कैसे बातचीत करें, कैसे आपस में मिल करके रहें। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब के वाणियों में साधना की भी बहुत सी बातें मिलती हैं, और उनमें मुख्य है शब्द सुरति योग। शब्द अर्थात परमात्मा, सुरति का अर्थ होता है मन, और योग किस प्रकार से हम अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ें, यह सद्गुरु कबीर साहब की साधना में बात कही गई है। एक बहुत सुंदर सूक्ति संस्कृत में, एकः शब्दः सुप्रयुक्तः इह लोके परलोके च कामधुक भवति, अर्थात एक सही शब्द का चयन, चाहे हम उसको सुन रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, इस लोक के लिए अर्थात हमारे सामाजिक जीवन के लिए, व्यवहारिक जीवन के लिए, या हम अध्यात्म की ओर जब अग्रसर होते हैं तो उसमें भी शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस सूक्ति में जो बात कही गई कि हम जब सही मार्ग का चयन करते हैं शब्दों के माध्यम से, तो वह हमारे इस लोक के लिए भी आनंददायी है, और अध्यात्म के माध्यम से अग्रसर होते हुए परमात्मा तक पहुंचने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। सद्गुरु कबीर साहब के इस शब्द सुरति योग साधना में शब्द अर्थात परमात्मा को मन के साथ, अर्थात हम सुरति को, चाहे कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, आसन, भोजन करना, शयन करना, या हम जब चल रहे हैं या अपने दैनिक कार्य में लगे हुए हैं, यदि हमारी सुरति परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो वह कार्य हमारे लिए एक पूजा का स्वरूप धारण कर लेता है। इसी को सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, सुरति फंसी संसार में ताते परी गयो दूर, सुरति बांध सुस्थिर करो आठों पहर हजूर। दिन और रात मिल करके 8 प्रहर होते हैं। यदि हमारी सुरति संसार के साथ जुड़ी हुई है तो हमारा जन्म और मृत्यु का क्रम सदा ही चलता रहेगा। सुरति फंसी संसार में ताते परि गयो दूर, इसलिए परमात्मा हमसे दूर हो गया क्योंकि हमने अपनी सुरति को परमात्मा से हटा लिया, संसार के साथ जोड़ दिया। लेकिन यदि हम अपनी सुरति को अध्यात्म की ओर ले जाते हैं तो यही परमात्मा से मिलाने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने और कहा इस शब्द के लिए, शब्द ने बिनसे बिनसे देही कहां ही कबीर हम शब्द से नहीं, अर्थात यह शब्द
उस परमात्मा को प्रिय है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस शब्द का सही रूप से चयन कर पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि गुरु हमें प्रकृति, हमारी प्रकृति के अनुसार से हमें ज्ञान देते हैं और उस कर्मकांड की ओर बढ़ाते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त है। तो यह साधना, शब्द सूरत योग की साधना भी सद्गुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को दिया, लेकिन अनेक अनेक भक्त जो ज्ञान मार्गी हैं, भक्ति मार्गी हैं, उनके लिए अलग अलग इसका स्वरूप प्रदान किया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह शब्द का मन के साथ जोड़ना, सुरति के साथ जोड़ना यद्यपि एक साधना है, लेकिन यह साधना तब तक अधूरी है जब तक हम इसके साथ सुकर्म न करें। हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारा आहार यदि सात्विक नहीं है तो केवल एक कर्म करने से, केवल साधना करने से इसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनि जन पंडिता ग्रंथन पावे पार। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब अपनी स्वाणी में कह रहे हैं कि गुरु का एक वाक्य, गुरु का एक शब्द बहुत कितना मूल्यवान है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, अर्थात जो विचारवान होते हैं गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, उसको बार बार अपने जीवन में परीक्षण करते हैं। ताका अनंत विचार, और थाके मुनिजन पंडिता, क्योंकि जो ग्रंथ हमारे हैं, ग्रंथ में सीमित ज्ञान है, चाहे कोई भी संसार का ग्रंथ हो उसमें सीमित ज्ञान है। उसको विस्तार कब मिलता है? जब एक पाठक अर्थात पढ़ने वाला व्यक्ति उन ग्रंथों के वाक्यों को पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और इसके बाद उसको कार्य रूप में परिणित करता है, तभी उसकी व्याख्या को समझ पाता है। इसलिए गुरु क्या करते हैं, उन्हीं जो हमारे ग्रंथ हैं, सद्धर्म ग्रंथ हैं, जिनको हम आप्त प्रमाण कहते हैं, क्योंकि प्रमाण चार रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान और आप्त प्रमाण। तो आप्त प्रमाण के रूप में हमारे सदग्रंथ हैं, जिसमें हम अनेक अनेक भाषाओं के ग्रंथों को ले सकते हैं। उन ग्रंथों में जिन महापुरुषों ने उनका प्रणयन किया है, उन लोगों ने यही प्रयास किया कि तत्कालीन समय में जो समाज था उनका उद्धार, उनका कल्याण कैसा हो, इसके बारे में उन्होंने बात की। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं, ग्रंथ यद्यपि हमारे लिए प्रासंगिक होते हैं, लेकिन समझाने वाला उसे गुरु ही होता है। और इसलिए जब शब्द सूरत योग की बात सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, तो वर्तमान समय में हम कैसे अपने अल्प समय में बहुत व्यस्त रहते हुए भी परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने यही कहा कि हम बराबर नाम का ध्यान करते रहें, परमात्मा का ध्यान करते रहें, और अपने कार्यों को ही पूजा का रूप प्रदान करें, तभी हमारे जीवन में जो एक समय की कमी बराबर हमारे लिए एक शिकायत की बात होती है, वह पूरित हो जाती है। अर्थात हम हर कार्य को पूजा के रूप में यदि करते हैं, सत्कर्म करते हुए नैतिक रूप से अपने जीवन को ले चलते हैं, तो यही हमारे लिए पूजा का स्वरूप धारण करता है। हमारा शयन परमात्मा के लिए साष्टांग दंडवत बन जाता है, हमारा भोजन परमात्मा के लिए भोग बन जाता है, हमारी वाणी परमात्मा के लिए प्रार्थना बन जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जो कुछ करूं सो पूजा, अर्थात एक व्यक्ति अपने जीवन में जब सत्कर्म करते हुए चलता है, तो उसका प्रत्येक जीवन का कार्य, चाहे किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा किया गया हो, उसके लिए पूजा बन जाता है, प्रार्थना बन जाता है, उपासना बन जाता है। यही भावों को प्रस्तुत करते हुए सद्गुरु कबीर साहब का भजन धुन सुन के मनवा मगन हुआ, जिसमें सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि एक ध्वनि है जिसको हम बाहर सुनते हैं, और एक ध्वनि है अंतरनाद जिसको हम अपनी साधना के माध्यम से श्रवण करते हैं, जिसको सुन करके सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, चाखी चाखी अलमस्त हुआ, जिसको अगर प्राप्त हो गया यह अनाहद नाद की शक्ति, वह उस अनाहद ध्वनि को सुन करके अलमस्त हो जाता है, आनंदमग्न हो जाता है, फिर वह संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त कर लेता है।
आदौ फुल्लकुशेशय प्रविलस कासारमाधे भव काश्यां शैशवरूपिणोऽवतरणं श्रीमत्कबीरस्य वै लीलामानुषविग्रहस्य नयनं नीरुनिमाभ्यां कृतं रामानन्दमनस्विनः पुनरभो शिष्यत्वमाश प्रभो वन्दौ सत्यकबीरको चरणकमलशिरनाय जासु ज्ञानरविकरनिकर भ्रमतमदेतनसाय एकशब्दगुरुदेवका ताकायनन्तविचार थाके मुनिजन पण्डिता ग्रन्थन पावै पार शब्द हि मारा गिरपड़ा शब्द हि छोड़ा राज जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरी गौकार जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरी गौकार श्री सद्गुरुवे नमः। धुन सुनि के मनवा मगन हुआ धुन सुनि के मनवा मगन हुआ लागी समाधि रहे गुरु चरण मगन हुआ धुन सुन के मनवा मगन हुआ सार शब्द की डोरी चढ़ी हम सा पार हुआ साधुता चढ़ी हम सा पार हुआ धुन सुन के मनवा मगन हुआ धुन सुन के मनवा मगन शून्य शिखर पर झालर झलके शून्य शिखर पर झालर झलके पर से अमीरस प्रेम चुवा साधु पर से अमीरस प्रेम चुवा धुन सुन के मनवा मगन हुआ धुन सुन के मनवा मगन कहाँ कबीर सुनो भाई साधु कहाँ कबीर सुनो भाई साधु चाकी चाकी अलमस्त हुआ साधु चाकी चाकी अलमस्त हुआ धुन सुन के मनवा मगन 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 हुआ